टेबल जो है हमने की थी, और टेबल का जो पहला पार्ट था वो हमने कल किया था, जिसके अंदर हमने डिज़ाइन और लेआउट का कल हमने इतना पार्ट कर लिया था, ठीक है। आज हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की, जिसमें सेल साइज़ है, अलाइनमेंट है और डाटा आपका। सेल साइज़ की बात मैंने कल भी की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे कि आपको छोटा बड़ा करना हो सेल को तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो मैन्युअली या सिस्टम के हिसाब से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ टूल्स दिए गए हैं जो आपके सेल के साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। दूसरा एक इसमें बटन दिया गया ऑटो फिट के नाम से। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है, जैसे आपने इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, अब किसी रो ने तो पूरा स्पेस लिया और किसी ने क्या लिया, कम लिया। जैसे इसमें पूरा आ गया आपका स्पेस, पूरा कॉलम भर गया आपका, लेकिन ये तो नहीं भरा, तो आप क्या करेंगे, इसको मैन्युअली ठीक करेंगे, या फिर एक काम कर सकते हो, आपको एक बटन दिया गया ऑटो फिट कंटेंट के नाम से, वो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा कंटेंट को फिट करने में। फिट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको किसी को भी छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जितने सो कंटेंट की रिक्वायरमेंट होगी उतना कर देगा, और वापसी वैसा करना तो ऑटो फिट विंडो कर देना, लेकिन ऑटो फिट विंडो से जब आप करेंगे तो दोबारा लगभग वैसा नहीं होगा जैसा पहले था, कुछ हद तक कर देगा उस चीज़ को, ठीक है ना। दूसरा, जो टेबल में आपने लिखा हुआ है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के भी अलाइनमेंट होते हैं। अलाइनमेंट मतलब साइड होती हैं, जैसे आपकी होम के अंदर थी ना लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर लाइन, ऐसे ही आपके सेल की भी एक अलाइनमेंट होती है जो आपको लेआउट के अंदर यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। पहले अलाइनमेंट समझ लेते हैं, जैसे कि लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, ये सेंटर के लिए दिया गया है, बीच के लिए, ये आपका नीचे के लिए दिया गया। तो ये पेज के जो है बॉक्स के लगभग 9 कॉर्नर जो आपके हैं वो सारे के सारे इसमें देंगे, किस कॉर्नर में आप लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर आप अपने लिखे हुए डायरेक्शन की, अपने लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज हो रही है, ठीक है। सेल मार्जिन क्या करेगा, ये ध्यान रखो उसमें थोड़ा सा। सेल मार्जिन में देखो, ये जो लाइन है, ये जो टेबल की लाइन है और ये जो टेक्स्ट है, इन दोनों के बीच में गैप अगर आपको लगता है ठीक है तो ठीक है, लेकिन आप कहते नहीं थोड़ा सा होना चाहिए, तो सेल मार्जिन क्या करेगा, आपका जो गैप है उसको बढ़ाने के लिए काम आएगा आपका, ठीक है। बॉटम से कोई मतलब नहीं होता, लेफ्ट से ऑलरेडी इधर खिसका हुआ है, राइट से भी इधर से सेट है, लेकिन हमने कहा ऊपर से थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो देखो मैं टॉप से थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, मैंने बढ़ाया यहाँ से, ठीक है, ये हमने इतना बढ़ा दिया, चलो 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया हालांकि मैंने, ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ ध्यान देना, मैं इधर ओके करूँगा, आप यहाँ पर देखना, यहाँ जो है आपका गैप आएगा थोड़ा सा, ओके किया, आया कि नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही मार्जिन को बढ़ा दिया, इतना नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये सेल मार्जिन क्या करेगा, आपके गैप को जो है कम या ज़्यादा करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका अलाइनमेंट वाला पार्ट है। दूसरा, जब आप टेबल कभी मैन्युअली बनाते हैं, ठीक है ना, मैन्युअली मतलब आपने ड्रो टेबल से टेबल बनाई, ठीक है, अगर आप ड्रो टेबल से टेबल बनाते हैं तो उसके जो रो एंड कॉलम है वो इक्वल नहीं हो पाते हैं। कोशिश करोगे तो हो भी जाएंगे, लेकिन क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, कैसे मापोगे आप हर चीज़ को। अब इसमें जो रो एंड कॉलम है, क्या वो इक्वल है, नहीं है, नहीं है ना, लेकिन आप चाहते हैं कि हो जाए इक्वल, तो उसके लिए क्या करना, टेबल को पहले तो सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाती है, बात एक ही है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे दो बटन थे आपके, एक था डिस्ट्रीब्यूट रो, एक था डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे आपके रो बढ़ जाएगी, कॉलम पे क्लिक करोगे आपके कॉलम बढ़ जाएंगे इक्वल पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये सेल साइज वाला पूरा करा दिया मैंने आपको, और दूसरा क्या करा दिया, अलाइनमेंट वाला। अब बात आती है शॉर्ट वाला बटन की, ठीक है, ये आपका होम में भी दिया गया, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, अब यहाँ पे आपका यूज़ होएगा, बात एक ही है, चाहे वहाँ से करूँ चाहे यहाँ से करूँ। शॉर्ट में क्या होता है कि जैसे आपने कुछ डाटा लिखा हुआ है, चाहे आपने वो नेम लिखे हो, चाहे वो आपने नंबर लिखे हो, अगर आप उनको करना चाहते हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट में जाके हमने कहा कि कॉलम नंबर कौन सा, 1 और 2, तो हमने कहा कॉलम नंबर 2 में जाओ, 2 में चले गए, उस पर क्या है, नंबर है, टैक्स है, डेट है, हमने कहा नंबर है, टैक्स है तो टैक्स ले लेना, नंबर है तो नंबर ले लेना, असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ओके करो, तो पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये एक सीक्वेंस के अंदर आपके सेट हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे होते, जैसे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए, ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखा होता तो ये अल्फ़ाबेट को भी क्या कर देता, कुछ इसी टाइप से अरेंज कर देता। यहाँ हमने ए लिख दिया, यहाँ हमने लिख दिया डी, और यहाँ हमने लिख दिया सी के अंदर एफ लिख दिया। चलो ठीक है, शॉर्ट के अंदर गए, कॉलम नंबर टू के अंदर देखो ऑटोमेटिक टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। क्या करना चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग डिसाइड कर लो, उसके बाद भी आप दूसरे भी साथ साथ कोई और भी अगर कॉलम है तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक ही कर पाएंगे एक बार में। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, दूसरा इसी के साथ में एक बटन दिया गया, इसका नाम है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या काम आता है कि अगर आपने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है, अगर आप उनको प्लस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे मैं इनको प्लस करना चाहता हूँ, तो प्लस करने के लिए लास्ट वाला जो रो है उसको ब्लैंक रखना। अगर आप ऐसे प्लस करते हैं तो लास्ट वाले के अंदर होगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपको प्लस करना है इनका, या मैं कहता हूँ चलो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ, आप कहते हो मुझे इनका प्लस करना है, तो इसके जस्ट बाद में क्लिक हो, ये नहीं कि आपने यहाँ क्लिक कर दिया, ठीक है ना, तो उसके जस्ट बाद में क्लिक होना चाहिए। हमने यहाँ क्लिक किया और क्या किया, फॉर्मूले पे क्लिक किया। जैसे फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा होगा। बाकी ये फॉर्मूले एक्सेल के अंदर होते हैं, एक्सेल में हम इसके बारे में डीपली से बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप जो है यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ अपने आप जो आ गया, सम होना है और क्या होना है, अबव मतलब ऊपर का होना है। आप जैसे ओके करेंगे उसका सम जो है ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आप इधर क्लिक करो, देखो वहाँ पे अबव लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है ज़रा देखो, अपने आप लेफ्ट लिखा आ गया ना। तो ये अपने आप काम करता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना, समझ गए बात को। हाँ, एक सिचुएशन हो जाती है बहुत बार ऐसी, अब बताओ अगर मैं कहूँ कि अब टोटल कर, अब बताओ किसका टोटल करेगा ये, आप तो कन्फ्यूज़ हो गया। लेकिन ये हमेशा किसका करेगा, अबव का करेगा, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है कंडीशन। या तो ऐसे करे ऐसे करे, कि नहीं हमेशा किसका करेगा, अबव का करेगा इस कंडीशन के अंदर। आप फिर क्या करो, सिर्फ अबव को डिलीट करके यहाँ पे लेफ्ट लिख सकते हो, इतना डीपली मत जाना, जाना चाहो तो जा सकते हो, मर्जी है आपकी, लेकिन इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो हम बाद में एक्सेल के अंदर बात कर लेंगे उस चीज़ के, ठीक है। फॉर्मूला हो गया, उसके बाद दिया गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये रो है, इसको मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लाइनें हटा दो और सिंपल क्या ले आओ, टेक्स्ट ले आओ। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट फॉर्मूले का, ठीक है ना। कन्वर्ट टेक्स्ट क्या करेगा, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आपसे दो बातें पूछेगा, ठीक है। ये पूछता है आपसे कि ये जो लाइन है ये तो मैं हटा दूंगा, ठीक है, लेकिन लाइन की जगह क्या लेके आना है, बीच में कुछ तो होना चाहिए, कोमा आना चाहिए, टैब मतलब थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो गया, या अदर के अंदर कोई और सिंबल। पहले डेमो देखो, मैंने यहाँ पे क्लिक किया कोमा के ऊपर, आप क्या देखेंगे, लाइंस हट गई है और बीच में सेपरेटर के तौर पे क्या आ गए, कोमा आ गए, ठीक है। कंट्रोल जेड किया, हमने कहा हमें कोमा नहीं चाहिए, हमें चाहिए अदर के अंदर, हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कोई भी एक सिंबल ले लो आप, जो भी लेना चाहते हैं, ओके करोगे तो आपका वो लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप जो है टेबल को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतना काम करेगा आपका। अब उसमें एक लास्ट बटन रह गया था जिसका नाम था रिपीट हेडर रो। हमने टेबल बनाई जिसके अंदर 5 कॉलम हैं और 300 रो हैं। देख सकते हो टेबल मेरे हिसाब से कितने पेजों में चली गई, 7 पेजेस में चली गई है, काफ़ी बड़ी टेबल हो गई है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट हेडिंग डाली यहाँ पे नेम, यहाँ लिख दिया साइंस और यहाँ लिख दिया SST, यहाँ लिख दिया हमने इंग्लिश और यहाँ लिख दिया मैथ्स, ठीक है। हेडिंग डाल के पहले पेज पे नीचे की साइड में गए तो क्या देखा हमने, कि क्या वो सभी पे आ रही है, नहीं, वो तो फर्स्ट पे आएगी, सब पे तो नहीं आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सभी पेजेस पे जाके हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। या तो लिखो या फिर एक काम करो कि एक बटन दिया गया, इसका नाम, नाम से आप समझ जाओगे क्या लिखा हुआ, रिपीट हेडर रो। रिपीट का मतलब रिपीट करना, कौन सी रो को, हेडर मतलब जो ऊपर की रो है, हेड मतलब ऊपर हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना, देखो अगर आपका किसी और रो में क्लिक होगा तो ये बटन काम नहीं करेगा, आपका फर्स्ट रो में क्लिक होगा तभी ये टूल्स काम करेगा। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप देखो कि आपका ऑटोमेटिक सभी के अंदर आ चुका है। अच्छा, जैसे आप यहाँ तक आ गए, आपने कहा सर यहाँ पे 2-3 रो और चाहिए, बताया था मैंने आपको, इंसर्ट ब्लो 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 आ जाएगा। या फिर एक काम और कर सकते हो, लास्ट में क्लिक करके टैब दबा देना, टैब से भी आपकी रो आनी स्टार्ट हो जाती है, या टैब को दबा के रखो, या वो सिंपल तरीके इंसर्ट ब्लो ब्लो। अगर आप करते जाएंगे और जैसे ही ये पेज फिल हो जाएगा और एक नया पेज जैसे ही आएगा उसमें देखना, ऑटोमेटिक आपकी जो है हेडिंग्स रिपीट हो जाएगी। ये देखो आ गई, तो वो सभी पे आएगी, आएगी तो सब पे आएगी, नहीं आएगी तो किसी भी नहीं आएगी। अब ओ और ना ही ये आपका एडिट होगा, ये बात भी ध्यान रखना, कहीं आप सोचोगे उसको मैं एडिट कर दूँ, नहीं,
आएगा तो सभी पे सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप उसको बाद में एडिट भी नहीं कर सकते हैं, और हटाने के लिए आपका क्लिक जो है वही फर्स्ट रो में होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ऑफ होगा, वैसे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपका टेबल का था, ये पार्ट वन था और ये पार्ट आपका टू था। क्लियर है इतना?